गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री. टुडे इज अ लवली डे. मायसेल्फ मिलिंद सिंह राजपूत फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल. ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन बिहार आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थ्री सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स मीन्स गणित. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या है, हमारा डेट है आपको 15/5/2020 और क्लास थ्री है और एक्सरसाइज हमारा है 1.5. ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं गणित. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन है पुट द साइन. साइन लगाना है, साइन का मतलब होता है चिन्ह. ठीक है, आपको ये दोनों एरो का साइन लगाना है. अगर इधर बड़ा है तो ये वाला एरो लगेगा, अगर इस साइड बड़ा है तो ये वाला एरो लगेगा. मान लो कि इधर बड़ा है तो हम ये वाला एरो लगा दिए, उस साइड बड़ा है तो हम ये वाला एरो, मतलब दोनों साइन लगाना है. साइन लगाना है, जिधर बड़ा उधर साइन रख देना है, उधर चिन्ह लगा देना है. ठीक है स्टूडेंट, पहला ए पर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. यहाँ पर ए है 5544 और इधर ही हमारे साइड में, इधर साइड में लिखा है 2770. ठीक है, पहले हम दोनों के थाउजेंड प्लेस को देखते हैं, हम दोनों के थाउजेंड प्लेस को चेक करते हैं. यहाँ पर देख लो, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, मतलब थाउजेंड यहाँ पे फाइव पर है और वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड यहाँ पर किस पे आ रहा है, डिजिट कौन सा है, थाउजेंड के डिजिट पे कौन सा, अरे थाउजेंड के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो टू है और यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर हमारा डिजिट फाइव है. ठीक है, तो दोनों हम मिलाते हैं. आप देख लो फाइव बड़ा है कि टू बड़ा है, जिधर बड़ा जो बड़ा रहेगा उधर साइन कर देंगे. फाइव बड़ा है तो हम फाइव की तरह साइन कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट, वैसे सेकंड पे आते हैं. सेकंड हमारा क्वेश्चन है 1840 और दूसरा है 2040, मतलब उसी में है, उसी में दिया है 2040. दोनों के हम पहले थाउजेंड प्लेस को देखते हैं. मान लो कि थाउजेंड प्लेस सेम रहता, यहाँ भी वन रहता यहाँ भी वन रखता, तो कैसे कंफ्यूज रहते, तो छोड़ देते थाउजेंड को, छोड़ के हम हंड्रेड के प्लेस को चेक करते. लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर दोनों डिजिट अलग अलग है, दोनों डिजिट डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे कि दोनों डिजिट को पहले चेक करेंगे. यहाँ पर वन है यहाँ पर टू है, बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, तो टू ही बड़ा है, ऑब्वियसली टू बड़ा है तो हम टू की तरफ साइन कर दिए. ठीक है स्टूडेंट, वैसे हम सी पर आते हैं 3650. ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 1050. दोनों के पहले हम थाउजेंड प्लेस को चेक करते हैं. मैंने अभी बताया अगर थाउजेंड सेम है तो हंड्रेड को चेक करेंगे, अगर हंड्रेड सेम है तो फिर हम टेंस को चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करके बताएंगे. लेकिन यहाँ पर हमारा थाउजेंड प्लेस अलग अलग है, यहाँ पर थ्री लिखा और यहाँ पर वन लिखा है. ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है, थ्री बड़ा है तो थ्री की तरफ हमारा साइन हो जाएगा. ठीक है, जिधर बड़ा उधर साइन. अब यहाँ पर डी पे आते हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है आपको टू और यहाँ पर लिखा है आपको सिक्स, लेकिन यहाँ पर मतलब कि चार अंक है और यहाँ पर तीन ही अंक है. यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर चार डिजिट है, यहाँ पर तीन ही डिजिट है. यहाँ पर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड है और यहाँ पर वन टेंस हंड्रेड ही है. यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर कुछ नहीं है, गोल है, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब कि गायब. तो यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर टू है लेकिन यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर कुछ नहीं है, मान लो कि जीरो है. ठीक है, जब कुछ नहीं रहता तो हम जीरो पुट करते हैं, रखते हैं. तो टू और जीरो, आप बताओ कि टू और जीरो में कौन बड़ा है. यहाँ तो जीरो तो बड़ा नहीं होगा, टू बड़ा होगा तो हम टू की तरफ साइन कर देंगे. स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको जीरो लिखा, आप भी समझने के लिए जीरो लिख सकते हो या अपने दिमाग में इसको रख सकते हो. ठीक है, और हमारा ई क्वेश्चन है 377 और यहाँ पर लिखा है 1615. ठीक है, यहाँ पर तीन ही अंक है और यहाँ पर आपको चार अंक है, वन टेंस हंड्रेड और यहाँ पर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड. यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर जीरो है, यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर वन है, तो वन और जीरो में कौन बड़ा है, वन बड़ा है तो हम वन की तरफ साइन कर देंगे. ये जीरो में हटा देती हूँ, बताने के लिए बताई थी, समझाई थी. फिर हम आते हैं अपना एफ क्वेश्चन पे. एफ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, एफ हमारा क्वेश्चन है 4107 और ये ऐसे बना हुआ है और उसके बाद लिखा है 1540. वैसे ही हमारा एफ जी क्वेश्चन है, जी है हमारा 2287 और एक बॉक्स बना है और फिर लिखा है 5283. मैं बता रही हूँ आपको, देखिए एफ क्वेश्चन में आप ध्यान देना, यहाँ पर फर्स्ट में हमारा लिखा है 4107 और फिर लिखा है 1540. यहाँ पर दोनों के पहले हम थाउजेंड के प्लेस को चेक करेंगे. ठीक है, यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर क्या लिखा है, फोर, और यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर क्या लिखा है, वन. फोर और वन में आपको बड़ा कौन लग रहा है, फोर लग रहा है तो हम फोर की तरफ साइन कर दिए. ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं आपको जी. जी में क्या है, 2287 और इधर लिखा है 5283. आप दोनों के थाउजेंड प्लेस को चेक करो, थाउजेंड प्लेस को चेक करते हो, यहाँ पर क्या आता है टू और इसमें थाउजेंड प्लेस पर क्या है, फाइव. टू और फाइव में कौन बड़ा है, फाइव बड़ा है तो हम इधर साइन कर दिए. ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा ये तो इतना हो गया, जी तक मैंने आपको बताया और अब मैं आपको एच बताने जा रही हूँ, जिसमें जितना है मैं उतना बताऊंगी आपको. एच क्वेश्चन क्या है, देखो एच क्वेश्चन है हमारा 3124, फिर एक ब्रैकेट बना हुआ है और फिर आपको लिखा है बॉक्स बना है और फिर लिखा है 7624. ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोनों के थाउजेंड प्लेस को चेक करो,
यहाँ पर थाउजेंड प्लेस पर थ्री है और यहाँ पर थाउजेंड प्लेस पर सेवन है, तो सेवन और थ्री पे कौन सा बड़ा है, सेवन बड़ा है, तो जहां जिधर बड़ा उधर साइन। फिर हम आते हैं आई पर, आई क्वेश्चन हमारा है 1176 और फिर एक बॉक्स बना है आपको और फिर लिखा है 214 है, दोनों के हम थाउजेंड प्लेस को चेक करेंगे, यहाँ पर वन है और यहाँ पर टू है, वन और टू में आपको कौन बड़ा है, टू बड़ा है, तो जहां बड़ा जिधर बड़ा उधर साइन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं आपको जे पे, ये क्वेश्चन हमारा है आपको 4176 और फिर एक बॉक्स बना है और फिर लिखा है 6475, दोनों के हम थाउजेंड प्लेस को चेक करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम थाउजेंड प्लेस को चेक करते हैं, अगर थाउजेंड सेम है तो हम फिर हंड्रेड को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर थाउजेंड प्लेस एकदम बिल्कुल अलग है, तो हम थाउजेंड प्लेस में बड़ा देखेंगे कौन बड़ा है, सिक्स बड़ा है तो उधर ही साइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपको के पे, के हमारा क्वेश्चन है 5421 और फिर एक बॉक्स बना हुआ है और फिर लिखा हुआ है 3756। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख लो दोनों के थाउजेंड प्लेस को चेक करो, यहाँ पर फाइव लिखा है और इधर थाउजेंड प्लेस पर थ्री लिखा है, आपको दोनों में से कौन बड़ा लग रहा है, फाइव बड़ा है कि थ्री बड़ा है, फाइव बड़ा है तो इधर साइन हो जाएगा, इस तरफ, इस तरफ साइन हो जाएगा। के तक मैंने आपको बता दिया। अब हमारा एल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें आपको, बहुत कम ही क्वेश्चन मैंने बता रही हूँ, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एल हमारा 6841, फिर एक बॉक्स बना है और फिर उधर बीच में लिखा है 9119। अब दोनों के आप थाउजेंड प्लेस को चेक करो, ठीक है, यहाँ पर सिक्स लिखा है, यहाँ पर नाइन लिखा है, कौन बड़ा, नाइन बड़ा है, तो नाइन की तरफ हमारा साइन हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। अब हमारा आता है एम, एम है हमारा 3114 और एक बॉक्स बना है और फिर लिखा है 2590। अब यहाँ पर ध्यान से देखना स्टूडेंट, 3114 और यहाँ पर लिखा है 2590, दोनों के थाउजेंड प्लेस को हम चेक करेंगे, थाउजेंड प्लेस में हमारा पहला हमारा लिखा थ्री और यहाँ पर थाउजेंड प्लेस पे हमारा लिखा हुआ टू, थ्री और टू में कौन सा बड़ा है, थ्री बड़ा है, तो हम थ्री की तरफ साइन कर देंगे। अब हमारा आ गया एन, एन हमारा क्वेश्चन है 1470, फिर ब्रैकेट है और उसके बाद लिखा है 2540, दोनों के हम थाउजेंड प्लेस को पहले चेक करते हैं, तो इसमें वन लिखा और यहाँ पर टू लिखा है, मतलब टू बड़ा है तो टू की तरफ साइन हो जाएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर ओ 4926, फिर एक ब्रैकेट है और उसके बाद लिखा है 2421, दोनों के हम थाउजेंड प्लेस को चेक करें, यहाँ पर फोर है इस थाउजेंड प्लेस पर और इस थाउजेंड के प्लेस पर टू है, फोर और टू में कौन बड़ा है, फोर बड़ा है, तो फोर की तरफ आपको साइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तीन क्वेश्चन और है हमारा लास्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पी पे, पी क्वेश्चन है हमारा 7123, फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर लिखा है 5621, फिर ऐसे ही पी के बाद हम आते हैं क्यू पे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको बताएंगे, 2970 और फिर आता है हमारा आर लास्ट क्वेश्चन 5872, फिर एक बॉक्स है हमारा और लिखा है 2040। अब हम लास्ट आते हैं, हम देखते हैं पी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी हमारा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर आपको सेवन है और यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर आपको फाइव है, पहले हम थाउजेंड प्लेस चेक करते हैं, मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर दोनों में से कौन बड़ा है, सेवन बड़ा है, तो सेवन की तरफ साइन होगा। फिर हमारा क्यू है, क्यू में हम आते हैं दोनों के क्या करते हैं, दोनों के हम थाउजेंड प्लेस पर आते हैं, यहाँ पर सिक्स और यहाँ पर टू है, दोनों में से देखेंगे कौन बड़ा है, सिक्स बड़ा है तो सिक्स पर हम साइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पर आर के क्वेश्चन को देखते हैं, आर के दोनों क्वेश्चन दोनों प्लेस को चेक करते हैं, थाउजेंड प्लेस को पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर आपको फाइव लिखा है और यहाँ पर आपको टू लिखा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइव है यहाँ पर टू है, तो हम देखेंगे बड़ा कौन है, तो यहाँ बड़ा फाइव है तो हम फाइव की तरह साइन कर देंगे। सो स्टूडेंट आई होप डेट जो मैंने जितना भी आपको बताया आपको समझ में आया आ गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन लिखना था, पहले थाउजेंड के प्लेस को चेक करना था, अगर थाउजेंड सेम नहीं होता है तो हंड्रेड को देखते हैं, सॉरी थाउजेंड अगर सेम है तो हंड्रेड को देखेंगे, अगर हंड्रेड सेम है तो टेंस को देखें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, तो सिर्फ थाउजेंड को देख कर मैंने साइन रख दिया। और आप अपने बुक पे ऐसी एक्सरसाइज 1.5 को भरना और लिखना, ये आप देख लिए जितना भी है इसको ऐसे ही भरना है। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।